हनुमान जी को कौन सा सबसे ज्यादा, मतलब जो मिठाई होती है ना, सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है बताओ? लड्डू भोग? लड्डू नहीं नहीं लड्डू ही है नहीं वो बूंदी स्टार्ट करो बूंदी बूंदी के लड्डू अच्छा हनुमान जी अभी कहाँ पे हैं, कौन से पर्वत पे बताओ? अब बता दिए पर्वत का नाम भैया, हिमालय पर्वत। वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी हिमालय पे नहीं नहीं पता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं पता। आप सारे क्वेश्चन भगवान से रिलेटेड ही पूछ रहे हो। हाँ हाँ बताओ। नहीं पता। मैं बता दूँ? हाँ जी आप बताओ। गंधमादन पर्वत। ओह माय गॉड वाओ कौन सा है? कौन सा बताओ 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 जो आपने बताया। हाँ गंधमादन पर्वत है, वहाँ पे हनुमान जी अभी भी हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अच्छा ये बताओ हनुमान जी पृथ्वी पर कब तक रहेंगे? जब तक वैसे तो कलयुग में भी है अभी जो चल रहा है, और लास्ट तक अंत तक रहेंगे। ओह यार कितनी और समय। हाँ कलयुग के लास्ट अंत तक रहेंगे। हाँ जी। है ना बिल्कुल सही जवाब। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा आपको भगवान के बारे में काफी अच्छा ये मुझे पाठ ज्यादा करते हैं ना। हाँ। शाबाश। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे सबसे ज्यादा प्यार की निशानी किसको माना जाता है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण और सीताराम। राम जी को भी, सीताराम जी को, सीता जी को। अच्छा सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। और प्यार की निशानी कौन सी है बताइए? वो मतलब सिचुएशन बतानी है ना। हाँ। वो जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो उसमें जो सीताराम ने जो अग्नि परीक्षा दी थी, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ राम जी। और वो जो गई थी, कहाँ गई थी? वो राम, जो प्यार की निशानी है ना वो राम सेतु। उसमें ना प्यार की निशानी मांगनी आती है और राम भगवान ने उन्हीं के लिए, देखते नहीं रील्स में आता है पैर दबाते हैं इनकी तरह होना चाहिए लड़कों को। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ बहुत अच्छा लगा यार, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। तो वीडियो बोलो, लाइक कमेंट शेयर कर दे लोग। ओके लाइक कमेंट शेयर करो इनको।